सिंध पुलिस हैदराबाद रेंज और गैर समाजी तंजीम NGO कानून मेरा मुहाफिज के इश्तराक से शहीद वाहिद बख्श लगारी ऑडिटोरियम में फौजदारी निज़ाम इंसाफ में फॉरेंसिक साइंस की मदद के उनवान से एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने इब्तदाई कलमात में माज़िज़ मुकर्रिन और शरीका को खुश आमदीद कहा। उन्होंने क्रिमिनल केसेस के तहकीकात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और फॉरेंसिक साइंस जैसी सहूलियात से इस्तफादा उठाने व मुजरम को सजायाबी और जेल की सलाखों तक पहुँचाने के लिए मौजूदा अदलिया को भरपूर शहादतें फराम करने और अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफे पर जोर दिया। बैरिस्टर शाहिदा जमील सबका वफाकी वजीर कानून व इंसाफ और इंसानी हकूक ने सेमिनार के इनकाद को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सेमिनार के जरिए हासिल शुदा मालूम व तरबियत पुलिस को जाए वकूआत और तफ्तीश के दौरान शवाहद को साइंसी खतूत पर महफूज करने में मामनत साबित होगा। फॉरेंसिक कंसल्टेंट ने सेमिनार की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि कानून मेरा मुहाफिज NGO बनाने का मकसद मुतासरा खवातीन और बच्चों को फौरी इंसाफ दिलाना है। उन्होंने सिंध पुलिस की काविशों को सराहते हुए कहा कि सिंध पुलिस का मुआवजना हम किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की पुलिस फोर्स से कर सकते हैं। इस सेमिनार के मौके पर प्रोग्राम कोआर्डिनेटर और मेजबानी के फ्राइज ASP SGPO कैंट अलीना राजपुर ने अंजाम दिया। सेमिनार में SSP टंडो लायर फारूक अहमद बजारानी, SSP टंडो मोहम्मद खान, गुलाम नबी कीरियो, SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक और हैदराबाद रेंज के मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक रखने वाले DSPs और जिनकी बुनियाद पर कैसेस के तफ्तीशी अफसरान व दीगर ने शिरकत की।